सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभो ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कभो न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब वो परमात्मा कबीर देव है जिन्होंने पहले ही वेदों वाला ज्ञान अपने सूक्ष्म वेद में सचिदानंद घन की वाणी में कबीर वाणी में लिखा था, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। कहते हैं जब ही सतनाम जिसको मिल गया हृदय उसके दरिया जाएगा, जो शरण में रहेगा आखिरी सांस तक और भक्ति करता रहेगा गुरु मर्यादा में रहेगा, तो फिर उसके सभी संचित और प्रारब्ध कर्मों के पापों को परमात्मा नष्ट कर देता है। अब जैसे अब आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और आप किसी संत के पास जाते हो, तो पहले जाते ही आपका जंतर मंत्र अपना जरूर बतावेगा, ये कर ले वो कर ले, इतना दान कर दे, पांच कन्या जमा दे, कीड़ियों को आटा डाल दे, यानी जैसा भी उसके पास मूर्ख बनान का मैटर है वो आपको जाते बताओगा। फिर कुछ राहत नहीं मिलती, तो फिर वहां से आप खिसकोगे दूसरे के पास जाते हो, फिर तीसरे पे, तो थोड़े बहुत जो विद्वान कहलाते हैं वो लास्ट में अपने जंतर मंत्र करने के बाद कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, ये समाप्त नहीं हो सकता, ये तो भोगने से ही कटेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा, और आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, आगे पाप नहीं होगा, आगे दुख नहीं होगा। अब पुण्यात्माओं कोई दुखी व्यक्ति है, जिस जैसे कांटे वाला उदाहरण आपको दिया, पैर में कांटा लग रहा है और कांटा लग गया, उसको कोई सलाह देता है कांटा तो निकला नहीं, ये तो नौका न्यू लगा रहेगा और जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, तो कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता, ये बट नेचुरल है। महादुखी प्राणी जब तक उसको राहत नहीं मिलेगी वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, उसकी उसकी रुचि ना बने, इंटरेस्ट बने को नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, पहले कांटा निकाल लेगा और कांटा निकाल कर फिर कहेगा बेटा राम ये जूता ना निकालिए नहीं तो फिर कांटा लग जाएगा। तो अब ये कांटे यहां कबीर जी के सच्चे दरबार में निकलेंगे आपके, और फिर आपको बताया जाएगा ये भक्ति करना और नियम भंग मत करना, नियम भंग करने से वो जूता आपके पैर से निकल जाएगा, परमात्मा का जो सहयोग है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस डर से आप कभी भी मर्यादा भंग नहीं करोगे, जो दुखी महादुखी प्राणी है उनके लिए वो दुख वरदान बनेगा, क्योंकि वो इस भय से फिर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे, ये भगवान कहीं फिर वो आपत्ति हमारे ऊपर ना आ जाए। और जो जैसे कुछ पिछले पुनकर्मी प्राणी हैं और वो चलो प्रेरित होकर के किसी के सुनने से पुण्यों के प्रभाव से यहाँ सत्संग में आ जाते हैं, नाम भी ले लेते हैं, उन पर पहले ही ऐसी आपत्ति नहीं थी और आगे भी एक दो वर्ष तीन वर्ष वो सत्संग आते रहते हैं और फिर तो आपत्ति आनी ही नहीं, तो वो कुछ दिनों में ये सोच बैठते हैं कि जैसे यहां आते हैं यहां मर्यादा में रहना अति आवश्यक है, यहां एक रिहर्सल करनी है परमात्मा से मिलने की, और जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे हमारे विचार हो, कैसी अंदर से निष्कपटता हो जिससे वो हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो गुरु जी को परमात्मा मान कह हमने यहां रिहर्सल कर ली है कि गुरु जी के सामने जब हम जावें कति क्लियर प्योर हेरिटेड होना चाहिए, ना तो झूठ कपट मन में हो ना कोई बकवाद हो। जैसे आपका कोई मान ले कति करते हो, जैसे आपने बताया कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, तो दास ये पूछेगा कि आपका नाम खंड हुआ है, आपने कोई गलती की, यदि आप छुपा जाते हो तो
तो आप वहां भी छुपाओगे परमात्मा के दरबार में भी, फिर वहां से आप को रिजेक्ट कर देगा भगवान ऑटोमेटिकली, तो नहीं छुपाना चाहिए। तो कई कहते हैं गुरुजी तो डांट मार देते हैं, देखो ये दास कोई शौक नहीं आपको, यानी ये कहने डांट क्या मार, ये धमकाना पड़ता है भाई, देखो भक्ति करनी है तो ढंग से कर, ना बेसिक मत आया कर, क्यों परमात्मा का सहारा मिला नहीं, फिर आपत्ति आ जाएगी, तेरे घर में हानि होगी, हमारे अन्य श्रद्धालु सोचेंगे यू नाम भी ले रहा था इसके फिर भी दुख हो रहे हैं, तो तू ओरा न भी लेकर डूबेगा, इसलिए यहां मत आया करे, और आवे तो भाई आगे बुराई करना मत। तो उसने चाहिए कि अपनी सच्ची बता दे जी हाँ गलती होगी, उसको तुरंत सहयोग मिलेगा, दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कनेक्शन हो जाने के बाद पावर नहीं आती घर पर, तो कनेक्शन फिर जुड़वाना पड़ेगा आपने। तो यहां आए हो गलती हो भी जाती है, क्योंकि आप एकदम एक नए मार्ग पर चलते हो, और पूरा परिवार जो है उसमें किसी दूसरे उस पहले वाले घिसे पटे मार्ग से चल रहा है, तो हो सकता है वो बाधक भी बन जाते हैं, कुछ मर्यादा भंग कराने की चेष्टा भी हो जाती है, किसी भी कारण से अगर कोई आपका मर्यादा भंग हो जाती है तो तुरंत उसका नाम दोबारा ले और आगे नहीं करनी, फिर बार बार एक हैबिचुअल नहीं बनना इस बात का कि कोई बात ना नाम खंड हो गया फिर नाम ले लेंगे, फिर नहीं चलेगा वो नाम, चाहिए दास दे भी दे तुम्हारे को, जब तक आप चलो एक दो बार तो हो जाए गलती, बार बार नहीं बकवास करनी फिर। तो ऐसे इस दास का यही उद्देश्य, जैसे बच्चा है स्कूल में प्रवेश पा रखा है, तो अध्यापक अब क्या कहते हैं, जैसे जो प्रसंग चला था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पहले भी आपत्ति नहीं थी, पिछले संस्कार ठीक थे, नाम ले लिया, एक दो वर्ष उन्होंने नाम भी रखा फिर तोड़ दिया, क्योंकि यहां आते हैं या नम्रता चाहिए, और उनके अंदर उतनी भावना नहीं बन पाती जितना दुखी प्राणी में होता है। दुखी प्राणी को कोई कुछ भी कहे, हमारा सेवक भी कह दे वहां बैठ जाओ, वहीं बैठ जाएगा, कि उसको उसका उद्देश्य है गुरु जी तक पहुंचूं ताकि मेरा रोग दूर हो, और जिसमें कोई आपत्ति ऐसी है नहीं उसको कोई भगत, तो क्योंकि यहाँ एक हजारों आदमियों से दिन डील करते हैं भगत यहाँ खड़े हैं, तो उनको कई बार एका दीवार कोई छो में भी आ जाए बैठ जाए तू यहाँ पर, तो अगर उस टारगेट में वो व्यक्ति आवेगा जो पहले से सुखी है और उसको ऐसा कोई कह दिया जाए तो मुँह डालेगा, उठ कर चला गया वापस, एक को कह दिया भी, जैसे एक दास ने कह दिया उसको कि तू एक साल में आया है और ऐसे ऐसे तू गलती भी करता है, तो संदेशा भिजवा दिया कि कह दो उसको या तो वापस चला जा नहीं अपने सुधार करके आओ टाइम पर, तो उठ कर चले गया छोड़ दिया नाम। अब क्या ऐसे ही एक दो और भी बहुत से नालायक किसी कारण से अपनी और कमजोरियों के कारण वो नाम छोड़कर चले गए, पहले भी सुखी थे, तो उनके साथ क्या होगा, जैसे उनके पहले भी पुण्य अच्छे थे और अब दो तीन वर्ष उन्होंने सत साधना करके और कमाई जोड़ ली और अब नाम छोड़ दिया, अब वो क्या कहते हैं कि कुछ ना दरिया किता है, हम पहले भी मौज थी, नाम लिए पाछा हमने कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और अब भी हम सुखी हैं, चार साल हो गए नाम छोड़ दिया, अब हमें कोई आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता, खूब शराब भी पीने लग गए, ताश भी खेल रहे हैं वो लोग, और भी बकवाद करें और भक्ति भी कर लेते हैं वो जैसी पहले करते थे। अब उनके उनका क्या होगा कि जैसे पहले पूर्व जन्म के बैटरी भी चार्ज थी और दो तीन वर्ष उनका चार्जर फेर लग गया, वो और थोड़ी सी चार्ज होगी, अब जब तक ये पुण्य उसके तीन वर्ष वाले पुण्य चलेंगे, अब भी नए जो है ये बहुत गजब के पुण्य बन गए उसके, तो ये हो सकता है इस जीवन में भी काम दे और आगे एकाध जीवन में और भी दे दे, लेकिन वह आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी और एकदम आपत्ति आएगी, इसी जन्म में भी आ सकती है। ये आप जी के लिए उदाहरण दास दे रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को देखकर तुम अपने मन को मैला मत करना, इस ज्ञान को आधार बनाना। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे किसी के पिछले पूर्व जन्म के पाप हैं, अब जो दुखी हैं कति दुखी, सब जगह घूम लिए फिर लिए कोई राहत नहीं मिली,
और यहां उनको जो भी मार्ग बताया जाएगा, जो मर्यादा बताई जाएगी, वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि जैसे आप कहोगे ऐसे ही करेंगे। हम छक चुके हैं उन सब पूजाओं को कर कर के, हम कति नहीं छुएंगे, हम तो छके पड़े हैं। तो वो सच्चे दिल से जो लगेगा, सच्चे हृदय से कि बिल्कुल नहीं करूंगा उन अन्य पूजाओं को, उसी दिन परमात्मा आपके कांटे काटने लग जाएगा। और आपके आपके भाग्य में पुण्य नहीं है, पुण्य होते तो आप दुखी होते ही नहीं, तो अपने कोटे से आपको पुण्य देगा, जिससे आपको कुछ राहत सडनली प्राप्त हो जाएगी, बहुत शीघ्र ही। और फिर आपको ज्ञान के माध्यम से कहा जाएगा कि ईब अपने पैरों पर खड़ा हो, भक्ति कर, दिशा दान बने दान कर, सेवा कर, इससे फिर आपको बहुत लाभ होगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब।